उसका क्या लाइक इम्प्लीकेशन है, क्या यूज़ है हमें मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, या कहाँ हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। पर ये वैसे आया कहाँ से, कैसे आया ये नंबर्स, जैसे हमारे रियल लाइफ में हमने कहाँ पे एक्सपीरियंस किए इतने बड़े नंबर्स? तो वैसे आपके सबके बचपन होंगे, सब बचपन में जो है चीज़ों सब लोगों ने जो है आसमान को देखा होगा, आसमान में बहुत सारे तारे देखे होंगे, या हम जो है सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, या कुछ भी देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस को हम नापने का तरीका क्या है, हम इतने बड़े डिस्टेंस को लिखने में या उसको रिप्रेजेंट करने में हम क्या यूज़ करते हैं? एक वीडियो से इसको समझते हैं कि हमारे बचपन में किस तरीके से, जैसे बहुत सारे तारे जब होते थे तो हम तारे देखते थे और कहते थे कि यार कितने ज़्यादा तारे हैं, कैसे कोई गिनता होगा इतने तारे, या सन से जो है अर्थ की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, कैसे इसको मेजर किया जाता होगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता होगा, मैथमेटिक्स कैसे इसके को लिखा गया होगा, या उसकी दूरी को कैसे नापा गया होगा, या हम कितना टाइम लगा होगा वहाँ तक पहुँचने में। तो ये सब कुछ हमारे हमारे दिमाग में इतने सारे ख्याल आते थे, लेकिन हम उस समय इतना, हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ रहता था, हम उस लेवल पे नहीं रहते थे, तो हम समझ नहीं पाते। पर अभी क्या है कि हम 11th 12th में आ चुके हैं, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं कि इतने बड़े नंबर को हम कैसे जो है एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म बने कैसे होंगे, क्या इसके पीछे का जो है मैथमेटिक्स होगा? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 10, तो 10 को रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है, हम 10 लिख देंगे। लेकिन अगर यही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 10 टाइम्स 10 हो गया तो ये 100 लिख दिया, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 हो रहा है, ये 1000 लिख दिया। बट नंबर्स जब बहुत बड़े हो गए, मतलब अब ये मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम्स चला गया, 10 टाइम्स चला गया, 20 टाइम्स चला गया, तो उसको लिखने के लिए तो हम तो जीरो गिनते रह जाएंगे कि यार कितने जीरो हो गए। तो उसको लिखने का एक बहुत आसान तरीका हम लोगों ने निकाला, वो हो गया कि हम इसको पावर और एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करने करने लगे। अब पावर और एक्सपोनेंट में जब हम रिप्रेजेंट किए तो हमने देखा कि ओके कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 जीरोज है, और ये क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं सारे, तो 10 को हम 10 टाइम्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो हमें ये नंबर मिला बड़ा सा। तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में, जहाँ पे 8 जो है हम कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ये 10 है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एग्जाम्पल ये ऐसा है, जैसे हम लोग के पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे हमें पता है कि सन से जो अर्थ की दूरी है वो साइंटिस्टों ने कैलकुलेट की है, और उसको कैलकुलेट करके ये बताया कि ये इतने किलोमीटर्स है। अब इतने किलोमीटर में 15 करोड़ किलोमीटर्स है। अब 15 करोड़ किलोमीटर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये तरीका ये है कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें। पर अगर ये तरीका बहुत ही और लगता है, लेट सपोज कि अब ये नंबर्स बहुत बड़े हो जाएं, तो फिर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम 15 करोड़ लिख लें, बट ये बहुत ही जो है नॉन साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक वे है रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि एज अ मैथमेटिशियन हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसमें हम कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट डालें या कुछ इस तरीके से कुछ यूज करें। हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात करेंगे, हम मैथमेटिक्स ऑपरेटर का यूज करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऑपरेटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम उन ऑपरेटर्स का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये 15 करोड़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1.5 × 10⁸ किलोमीटर्स, जहाँ पे 8 जो है वो 10 की पावर है। मीन्स जो हमने यहाँ पे किया है वही सेम चीज यहाँ पे कर दिया। अभी ये 10⁸ को हमने ये लिखा था और ये चीज था, अभी ये चीज को हमने ये लिख दिया। तो मोस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कितना कॉम्पैक्ट तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तरीका हो गया कि हमने अर्थ की डिस्टेंस को मेजर कर लिया सन से। भी यूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन और डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। सेम हमें पता है कि हमने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है कि टाइम जो है सन की सनलाइट को अर्थ पे आने में एक टाइम लगता है, वो टाइम जो है हमने मेजर किया है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथडोलॉजी यूज़ करके इस टाइम को मेजर किया है, जो कि एक फिक्स टाइम है कि 8.33 मिनट्स और 500 सेकेंड्स, इसको हम कर सकते हैं, ये 500 सेकेंड्स है और ये अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म,
जो कि आपको अगर दिख रहा होगा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लिख सकते हैं 5 × 10^2, 10^2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 100, सो 5 × 100 = 500, तो ऑलमोस्ट जो है इस तरीके से हम दोनों इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे ये मेजर किया गया होगा, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, या स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्यों ये कर रहे हैं उसके पीछे का मैथ ये है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या अगर हमारे पास दो बड़े नंबर्स हैं जो कि बहुत बड़े नंबर्स, उनको हम डिवीजन कर सकते हैं, क्या हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं या इजीली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमने जो है यहाँ पे वेलोसिटी निकाली या स्पीड निकाली लाइट की। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको हमने इस तरीके से मेजर किया, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किलोमीटर्स था, यहाँ हमने इसको मीटर्स पर सेकेंड में किया, इसको हमने सेकेंड में किया। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड है, तो उसी चीज़ को हम लेके चले, क्योंकि किलोमीटर्स में लिखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने इस यूनिट्स को कन्वर्ट किया, ये बहुत ईजी आपको पता है कि मीटर को कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, या किलोमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को कैसे मिनट में, या मिनट को कैसे सेकेंड में करते हैं। तो बहुत ईजी सा ये एक मैथमेटिक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दिया। तो ये ऑल अबाउट हो गया कि हम कैसे जो है एक्सपोनेंट का यूज़ किया स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट किया। अगर हमारे पास बहुत लंबा डिस्टेंस या बहुत बड़े लेंथ क्वांटिटी है, कैसे हमने उसको रिप्रेजेंट किया बहुत बड़े लेंथ क्वांटिटी को एक साइंटिफिक फॉर्म में, जो कि ये हमें शो हो रहा है 1.5 × 10^11 के से। अब हम समझते हैं इसके पीछे थोड़ा सा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे, आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल है और लॉगरिथमिक है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। रिलेटेड क्या कह सकते हो, ये एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तो अब इस बात को समझते हैं कि ये क्या है एक्सपोनेंट, ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको आप GF मत समझिएगा, एक जनरल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, वो वाला आप ना समझिएगा इसको। अब ये हमारे पास अगर हम पीछे देखते हैं, पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक 10 लिखा हुआ है और उसका एक पावर लिखा हुआ है। उसी चीज़ को हमने एक जनरल फॉर्म दे दिया कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी बेस के और किसी पावर के टर्म में, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, हम इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है आर्गुमेंट, मीन्स वो जो बड़ी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये बड़ी वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये बड़ी वैल्यू एक्चुअली आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके अलावा ये बेस क्या है, अगर आपको पिछले वाले स्लाइड में देखें तो बेस क्या है, यहाँ पे 10 है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पावर और एक्सपोनेंट। पावर हमारे पास वहाँ पे क्या था, 8 था, तो पावर और एक्सपोनेंट ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा पावर है वो क्या हो गया, अब हमारा पावर लेफ्ट साइड में चला गया, मीन्स इक्वल के, जैसे यहाँ पे बी था वैसे यहाँ पे एक्स हो गया, और जो बी हमारा था, जो आर्गुमेंट था, वो यहाँ पे आर्गुमेंट आ गया लॉग का, और जो हमारा ए था वो बेस आ गया लॉग का। तो बहुत इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि हमें कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब ज़रूरत इसकी लॉगरिथमिक की क्यों पड़ी, एक्सपोनेंशियल हमारे पास ऑलरेडी था तो हम लॉगरिथमिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को भी समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा इसके पीछे का मैथमेटिक्स। तो बेसिकली अगर आपको आप देख पा रहे हैं, तो लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 10^(x) इक्वल्स टू 1000, तो हम बहुत आसानी से इसको कह सकते हैं कि हम इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 10^3, और यहां से हम बता सकते हैं कि ओके एक्स इक्वल्स टू 3 हो गया। बट कभी ऐसा भी केसेस आ सकता है जहां पे हम इस चीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, मींस यहां पे अगर कोई नंबर ऐसा आ गया, बहुत अनइवन सा नंबर आ गया, और उसके बाद भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम वहां उसमें क्या करेंगे। सेम अगर आप इसमें यूज करते हैं, ये हमें पता है कि ये एक
परफेक्टली इसको जो है 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली 2 रेज टू द पावर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओके एक्स इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पे तो हमने यूज कर लिया। बट अगर हमारे पास यही 10 1024 अगर 2 का मल्टीपल नहीं होता, इसके अंदर प्राइम कुछ प्राइम फैक्टर्स 3 के भी आते, 5 के आते, 7 के आते, तो उस केस में हम कैसे जो है बेसिस को सेम करते, तो हम तो बेसिस को सेम कर नहीं पाते। तो उसके बाद उसी वजह से जन्म हुआ है इस लॉगरिथमिक का, जो कि हमारी इस छोटी सी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे लाए लॉगरिथमिक। लेट सपोज ये हम समझते हैं इस चीज से कि ये हमारे पास एक 2 रेज टू द पावर x एक नंबर है जो कि हमने इक्वेट किया है 12 का के इक्वल। बट अब हम देखते हैं जो 12 है वो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2, 2 एंड 3। अब हम 2 को तो रिप्रेजेंट कर लिए 2 टू द पावर 2 में, बट 3 को कैसे करेंगे? 3 के पास फिर 3 के लिए हमें जो है बहुत परमोटेशन एंड कम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। हम हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे ओके 3 जो है 2 के हम किस पावर पे वैल्यू लेंगे तो हमारा 3 आएगा। ये बहुत बड़ा बहुत ट्रिकी काम हो गया। इस ट्रिकी काम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास है क्या, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं लॉग एक्सपोनेंशियल को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में। अगर हम उसी चीज को यहाँ कोशिश करें लिखने की, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ ये वाला केस था जब 10 रेज टू द पावर x था, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1000 on base 10 equals to x, फिर हमने सॉल्व किया x इक्वल्स टू 3 आया, जो कि हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था x इक्वल्स टू 3 था। सेम हमने 1024 के साथ किया, इसको हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आएगी। बट अगर हमारे पास लेट सपोज ये वाला केस था, थर्ड वाला केस है जहाँ पे x एक्स ये हमारा एक्स की वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट हो पा रही है क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में परमोटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं लगा पा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारे पास क्या एक परमानेंट सोल्यूशन है इसका कि नहीं है? हाँ है, हमारे पास साइंटिस्टों ने मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा एक लॉग टेबल बनाया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बनाया है, 10 बेस पे, ई बेस पे, ई जिसको हम एल नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ई बेस पे बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस बेस पे आपको चाहिए उस बेस पे बनाया है। आप उन्हीं उसी लॉग टेबल का यूज करके इसको बहुत आसानी से सॉर्ट फाइंड आउट कर सकते हो इसकी वैल्यू। अगर आप देख रहे हो तो हमने सेम वही किया जो हमने इंटरचेंजेबली यहाँ पे इसको यूज किया था। हमने सेम किया कि जो हमारा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जो हमारा यहाँ पावर था वो यहाँ पे आर्गुमेंट हो गया, जो हमारा बेस था वो यहाँ पे बेस हो गया, और जो ये हमारा आर्गुमेंट था और ये लॉग का आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, अब log 12 on base 2, तो हम फिर इसके लिए मींस हमें चाहिए एक ऐसा लॉग टेबल जिसका बेस 2 हो। अब बेस 2 वाले लॉग टेबल पे जाएंगे, आपको अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे जो है इसके आपको मिल जाएंगे। तो एक क्लिप मैंने यहाँ पे भी डाली है लॉग टेबल की जो कि बेस 2 पे है। आप इसको base 10, base 9, base 6, base 7 किसी भी बेस पे जो है आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होता है आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ समझाने के लिए एक यहाँ पे इमेज डाला है जहां पे ये दिख रहा है कि जब एट 12 मीन्स 2 बेस पे जब आर्गुमेंट की वैल्यू 12 है तो उस केस में लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग की वैल्यू होगी 3.584963। इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे दैट इज 3.585849। आप और भी लिख सकते हैं बट इतना इतना अगर यूज करेंगे तो आपको अब आप ये आपके पास आ गया। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि यार ये आ गया तो हम पता नहीं ये सही होगा कि नहीं सही होगा, तो आप क्या कर सकते हो इसको यूज करके यहाँ पे यहाँ यूज कर सकते हो। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में एक्स की वैल्यू ये रखो और देखो कि वो वैल्यू 12 के इक्वल आ रही कि नहीं, और अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि हाँ ये वैल्यू 12 के इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टडी किए, समझे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बीच में इसका जो है प्रॉपर्टीज कहाँ पे यूज होता है मैथमेटिक्स में, हम कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को
इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपको पता है कि लॉग के इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं और नहीं आते सिर्फ लॉग के, तो उसका यूज़ होता है बहुत सारे क्वेश्चन में। अगर आप कैलकुलस में जाएँ तो कैलकुलस में इसका यूज़ हो रहा है, आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएँ तो ट्रिग्नोमेट्री में भी लॉग का, एक्सपोनेंट्स का, इन सब का भी यूज़ हो रहा है। तो बहुत बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो हम पढ़ेंगे अगले वाले सेक्शन में कि कैसे जो है हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोथ फॉर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, स्टोरी जो मैंने बिल्डअप किए हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। We'll be right back.